नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये जो न्यूज़ है यूनियन से रिलेटेड है, जीडीएस यूनियन से। आप सभी को बता दें, आज ही के दिन करीब 8,500 जीडीएस ने अप्रत्यक्ष रूप से और 3,000 जीडीएस ने प्रत्यक्ष रूप से जो है एक यूनियन को ज्वाइन किया है, जिसका नाम है भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ। आप सभी को पता है बीएमएस की यूनियन है और बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रही है AIGDSU को। आप सभी को बता दें असम सर्कल की ये न्यूज़ है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं हज़ारों GDS जुड़े हैं और कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी आए हुए हैं यूनियन के। जैसे कि आप सभी को बता दें ये नौगांव में हुआ था, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर कई यूनियन के भी मेंबर्स, बड़े जो मेंबर्स हैं वो आए थे। जैसे कि आपको बता दें श्री दिनेश राय जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है GDS के, श्री सांडिल्य जी, ठीक है, राष्ट्रीय महामंत्री पोस्टल अकाउंट्स, श्री भार्गव ज्योतिर्नाथ प्रांतीय सचिव है और असम के, और श्री त्रिदीप गोस्वामी सहायक प्रांतीय सचिव, एवं श्री संतोष कुमार सिंह जो संगठन मंत्री है, ये सभी जो थे मौजूद थे। और इन्हीं के सामने 8,000 GDS ने इनडायरेक्टली जो है यूनियन को ज्वाइन किया है, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ जो BMS की यूनियन, और 3,000 लोगों ने डायरेक्टली ज्वाइन किया। आप सभी को बता दें बहुत दिन से उथल पुथल चल रहा है GDS के यूनियन के बीच जो भी पॉलिटिक्स होती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, कुछ महीने पहले जब AIGDSU ने स्ट्राइक बुलाई थी, काफ़ी सारे GDS ने उनका सपोर्ट किया था, लेकिन इस बीच में जब उन्होंने बीच रास्ते में स्ट्राइक को जो है बंद करवा दिया, रुकवा दिया, और काफ़ी सारे GDS को टर्मिनेट भी कर दिया गया, तो इस वजह से काफ़ी सारे GDS का जो भरोसा है AIGDSU से उठ रहा है और बहुत लोगों का उठ भी चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन इन्होंने नई ज्वाइन कर ली है, और इसी तरह से अब देखा जा रहा है असम की सबसे बड़ी जो GDS यूनियन अब BMS की बन चुकी है, और धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी सपोर्ट जो है AIGDSU का अब कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जितने GDS हैं नए GDS हैं और उनका जो एटीट्यूड होता है वो वैसा नहीं होता कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, वो इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में। जैसे बस स्ट्राइक में भी बहुत सारे GDS इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से कई सारे नए GDS थे और टर्मिनेट कर दिया गया था, और कुछ लोगों को अब वापस बुला लिया गया है डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, और कुछ लोगों का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है यूनियन में भी काफ़ी ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिक्स चल रही है, चीज़ें हो रही है, और जो भी यूनियन सपोर्ट करती है GDS को जेन्युइनली आपको उनके साथ ही जुड़ना चाहिए। जो भी आपको लगे अपने विवेकता के अनुसार आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन की तैयारी करनी है, वो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा कोर्सेज अभी तक लोग ले चुके हैं GDS MTS पोस्टमैन सारे मिला के। तो आप लोग भी पीछे मत रहिए, कोशिश कीजिए जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाए, ताकि ये सारे चीज़ों से जितना भी हैरेसमेंट होता है, ज़्यादा काम होता है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो एक सोल्यूशन आपका है